बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। रेसिपी बहुत क्विक बनने वाली है क्योंकि चिकन को मैरिनेट करके हमने नहीं रखना और बहुत ही क्विकली हमने इसको कोट करना है और बस फ्राई करना है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राइड चिकन आपकी बहुत कम टाइम में रेडी हो जाएगी। आप लोग को ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आइए चल के बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाने के लिए आपको 1 kg चिकन चाहिए होगा। मैंने जो है यहाँ पर लेग के और चेस्ट के पीसेस लिए हैं। उसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून सॉल्ट नमक ऐड करना है और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और चिकन पर जो है अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। चिकन को हम साइड पर कर देंगे। अब आपने एक बाउल के अंदर 2 अंडे लेने हैं, साथ में ही आपने उसके अंदर 1 कप मैदा ऐड करना है, 1/2 टीस्पून नमक और एक जो है 7 अप की जो ड्रिंक है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब एक ट्रे के अंदर आपने 2 कप मैदा लेना है और उसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1/4 टीस्पून थाइम, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब आपने एक और ट्रे लेनी है, उसके अंदर 1 कप सिंपल मैदा लेना है। तो अब जो चिकन हमने मैरिनेट की थी आपने उसको पहले सिंपल जो मैदा था उसके अंदर कोट करना है और उसके बाद आपने इसको इस मिक्सचर में, सोडा वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था इसमें आपने डालना है और उसके बाद लास्ट में जिस मिक्सचर में मैदे में हमने बहुत सारे मसाले ऐड किए थे उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है। तो देखिए इस तरह से इसके क्रम्स रेडी हो जाएंगे और अब आपका जो ऑयल है वो अच्छा हॉट होना चाहिए और अब आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसी तरह से जो चेस्ट के पीसेस थे आपने उनको इस तरह से 3 लेयर में कोट करना है और बहुत ही ईजिली और जल्दी जो है ये चिकन रेडी हो जाता है। ये देखें क्रम्स इसके बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे और ऑयल में आपने इसको इस तरह से फ्राई करते रहना है। तो ये पहला बैच जो है वो मैंने ऑयल के अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। बहुत ही इजी इसका प्रोसेस है। ये जो लास्ट आपने कोट करना है इसमें बस आपने चिकन को अच्छी तरह से प्रेस करना है मैदे के साथ ताकि उसके जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे रेडी हो जाएं। ये देखें इस तरह से। तो फर्स्ट बैच जो है वो हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन 5 पीसेस डाले हैं और ये देखें ये बहुत अच्छे इसके ऊपर जो है ये क्रिस्पी फ्राइड पीसेस जो हैं वो रेडी हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जो चिकन है वो बहुत जूसी और सॉल्टी होगा क्योंकि हमने उसके ऊपर नमक लगाया था। तो इस तरह से फर्स्ट बैच जो है वो रेडी हो गया था। मैंने इसको एक टिश्यू पेपर पर जो है इस तरह से निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये फ्राइड चिकन आपका रेडी होगा अगर आप कंप्लीट इसी तरह से सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। बहुत इजी है और इस तरह से मैंने सेकंड बैच भी जो है वो ऑयल के अंदर डाल दिया है। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन, जो रिमेनिंग पीसेस थे उनको भी इस तरह से मैंने सारा कोट कर लिया है और आप इसको कोट करके रख सकते हैं 5-10 मिनट पहले और उसी टाइम जो है आप इसको फ्राई कर लें। बहुत पहले आपने इसको कोट करके नहीं रखना, जिस टाइम आप फ्राई कर रहे हों उसी से टाइम से थोड़ा सा पहले आप कोट करके रख सकते हैं। तो ये देखें ये सेकंड बैच भी रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइड चिकन जो है वो इस तरह से रेडी हो गया और बहुत ही क्विक, कोई टाइम नहीं लगता, आधे घंटे से भी कम में आप जो है ये चिकन रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला लास्ट बैच है और ये भी उसी तरह से ये देखें रेडी होके आया है बिल्कुल परफेक्ट। ब्रोस्ट के जो पीसेस यूज़ करने हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ लेग का बनाना है
सिर्फ चेस्ट वाले पार्ट का बनाना है या थाई वाले पार्ट का बनाना है, तो वो आपकी चॉइस है, आप उसी चीज़ को जो है वो मैरिनेट करें। तो देखें अब ये ज़बरदस्त से जो है फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी हो गई और बहुत ही क्रिस्पी और जूसी है। आपने जो है इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।